बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर हमारा है 0222300 1634 या फिर आप हमें 0222300 1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, X.com पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा। शिवांगी का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं हम। तो बाजार में आज हमने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए 70,865 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर 21,255 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की तेजी रही और ये 47,800 के पार बंद होने में रहा कामयाब। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में शानदार रिकवरी की क्या रही बड़ी वजहें। बाजार के सभी उदास और निराश ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो कि कल शाम को इसी वक्त आपको दिख रहे थे, उनके चेहरों पर जो उदासी और निराशा छाई हुई थी, आज वो पूरी खुशी और एकदम जोश के माहौल में बदल गई। क्यों, कैसे? देखिए, कल गिरावट तो बड़ी तेज हुई और लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, अचानक से इतना तेज गिरा है, अब क्या होगा। लेकिन उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, वहाँ से संकेत खराब नहीं थे। लेकिन लीजिए, जिस तरह से हमारे बाजार गिरे, ठीक वैसा ही चार्ट पैटर्न बनाया अमेरिका ने भी। आखिरी 1-1.5 घंटे में डाउ भी ऐसा जोर से गिरा कि पूछे मत, 550 पॉइंट से ज़्यादा, और नेस्डेक में भी गिरावट भरपूर रही। तो सुबह और डर बढ़ गया, खुलेंगे जोर से नीचे। लेकिन असली मज़ा क्या था? पहली चीज़, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो गई तो बैंक निफ्टी तो हो गया हल्का। दूसरी चीज़, FIIs की तरफ से कोई बिकवाली के बड़े आंकड़े आए नहीं, कैश और वायदा कारोबार में मिला के देखें और लोकल फंड्स के भी आंकड़े अच्छे ही थे। तो इसका मतलब ये कि ट्रेडर्स ने ज़्यादा बेचा था या फिर HNI इन्वेस्टर्स ने। और ऐसे में जब आज नीचे खुलने के संकेत आए तो पहले थोड़ा सा सावधानी वाला माहौल था, खुले भी हम हल्के लाल निशान में। 21,000 के करीब, 20,975 के आसपास सपोर्ट लेकर निफ्टी ने शुरुआती आधे घंटे में थोड़ा टाइम पास किया, उसके बाद रिकवरी होनी शुरू हुई। और रिकवरी हुई लगभग 300 पॉइंट की और 21,250 के ऊपर जाकर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। कहाँ? दिन के हाईएस्ट लेवल पर। कॉन्फिडेंस देखिए, बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी ऊपर से कितना गिरा? पूरे 1,000 पॉइंट, 48,200 हाई, 47,200 लो। और आज क्या हुआ? 46,900 लो, 47,900 हाई। नीचे से पूरा 1,000 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने ज़्यादा ताकत दिखाई, और इसलिए दिखाई कि कल वीकली एक्सपायरी में पोजीशन खत्म हो चुकी थी, आज बैंक निफ्टी एकदम हल्का। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता तो आ चुका है लेकिन पोजीशन कम, कम पोजीशन में बैंक निफ्टी ने दौड़ लगाई और जमकर लगाई और 47,850 के बेहद करीब जाकर बैंक निफ्टी बंद हुआ। कमाल है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन असली कमाल न निफ्टी में, न बैंक निफ्टी में, न सेंसेक्स में, ये था इन दोनों के बाहर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कल बड़ा कोहराम मचा, जो मारकाट मची, मिड कैप इंडेक्स 1.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 2%, अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन सवाल इंडेक्स का नहीं है, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कल जितना घटे उतनी की उतनी या उसकी 75% रिकवरी करने में कामयाब रहे। यानी कि ब्रॉडर मार्केट में बड़ा माहौल आज फिर से तेजी का लौटता हुआ दिखा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कल की तेज गिरावट के बाद हल्के बाजार, थोड़े ओवरसोल्ड बाजार, ज़्यादा निराशा में लोग, और उनको सरप्राइज देता हुआ आज का मार्केट डे हाई पर बंद होता हुआ दिखा। और इसमें कुछ योगदान नहीं, काफ़ी कुछ योगदान, एक FIIs की बिकवाली के आंकड़े नहीं आने का और दूसरा डाउ फ्यूचर्स की मजबूती का भी रहा। तो इन दो फैक्टर्स ने बाजार में आज भरा जोश। और आई FIIs DIIs का डेटा भी देख लेते हैं। आज हमने FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 1636 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े देखे हैं। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1464 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए मोतीलाल ओसवाल से, शिवांगी सारदा से करते हैं चर्चा की शुरुआत। शिवांगी, बाजार में कल के उस कोहराम के बाद आज जबरदस्त रिकवरी हमें देखने को मिली है, वो भी एक्सपायरी के दिन। जानना चाहेंगे कि अब हफ्ते का आखिरी दिन कैसा रह सकता है बाजार के लिए, क्योंकि फिर एक लॉन्ग वीकेंड हम देखेंगे। नमस्कार स्वाति जी, वेरी गुड इवनिंग। हमने देखा है कि बाजार जो है
कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, चाहे हम निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की, हमने दोनों में ही एक अच्छी बुल्स की कमबैक देखी है। इसमें पुलबैक मूव जो है काफी शानदार था। निफ्टी में हमने देखा है कि एक गैप यू नो गैप डाउन जरूर ओपनिंग हुआ था, पर उसके बाद नीचे के लेवल से 300 पॉइंट की रिकवरी वहां से देखने को मिली है और गेन्स में अच्छे खासे बंद हुआ है। तो यहाँ पे हमारी राय है कि यू नो एक अच्छी अपमूव यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 21450 21600 तक के लेवल्स के लिए, और 21150 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा जो कि ध्यान दे सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने ऑल्दो ज्यादा वीकनेस नहीं देखा था एज कम्पेयर टू निफ्टी, इसमें भी एक अच्छी रिकवरी थी और मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखा है टुवर्ड्स यू नो 47950 जोन्स। तो यहाँ पे भी एक अच्छी रिकवरी है, एक वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक इंडेक्स जो है काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा था और क्लोजिंग भी इसने डेज हाई के आसपास दिया है। तो सपोर्ट एक रहेगा यू नो अराउंड 47500 का, और अपसाइड जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48250 और 48500। और ऐसे हम यू नो हेड कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, पर पिछले 8 हफ्तों में 2600 से ज्यादा पॉइंट्स यू नो इंडेक्स ने दिखाया है निफ्टी ने। तो अब वोलेटिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, पर इंटरेस्टिंग मूव रहेगा, बुल्स जो है वो पूरे एक्शन में है, तो डिक्लाइंस में मौके ढूंढे खरीदारी के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ बने रहे। बिल्कुल, तो ये रही राय शिवांगी की बाजार पर। अब शिवांगी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपके पसंद भी हम जान लेते हैं। किसी को 7 से 10 दिन का नजरिया रखना हो किसी स्टॉक में तो कहां पर आपकी स्ट्रेटजी बनाने की राय रहेगी? जी बिल्कुल, ऑयल इंडिया जो है एक ऐसा स्टॉक है वो मेरे रडार पे है। पिछले 3 दिनों से अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रही है स्टॉक में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरे साल में ही ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। हमने देखा है कि 80% से ज्यादा अपमूव हुआ है, और जैसे हम कंक्लूडिंग मंथ में है साल के, एक अच्छी ब्रेकआउट के साथ ये क्लोजिंग दे रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम यू नो खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। फिलहाल जो है स्टॉक ऊपर से यू नो थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है, तो अच्छे यहाँ पे इंटरेस्टिंग यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिख रहा है। तो 395 और फिर 400 तक के लेवल्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 366 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। जी, तो ऑयल इंडिया में पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह आई है हमारी आज के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी शिवांगी की। क्या रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? जी लॉन्ग टर्म के लिए वोल्टास एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लग रहा है। पूरे बाजार में एक वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक जो है काफी रेजिलिएंट रहा है। डेली फ्रेम में हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक 913 का एक हर्डल था जो कि वो सपास करके काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से इंडेक्स डाउन है, पर ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 990 और फिर यू नो 1000 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे 918 के स्टॉप लॉस के साथ। वोल्टास पे लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारी आज के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा की तरफ से। आइए अब स्ट्रेटजी जानने के बाद अब कॉलर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से रवि जी हमारे साथ हैं। नमस्कार रवि जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास इंडिया सीमेंट है, मैंने परचेज की है आज 250 रुपए में 50 शेयर, और आज इसी के लिए पूछना है लॉन्ग टर्म के लिए मैंने परचेज की हूँ 150 में, मेरा भी लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया सीमेंट्स पे इनकी ताजा खरीदारी है, क्या राय रहेगी आपकी शिवांगी लेवल्स पर? जी इंडिया सीमेंट मेरी यह मानना है कि हम अगर इसका यू नो मंथ ऑन मंथ चार्ट देखे, जो कि एक थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिल रहा है इस महीने, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। अगर यू नो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के ध्यान से अगर हम देखें तो ये पूरे एक सेक्टर में भी हमने देखा है कि एक अच्छी यू नो मोमेंटम रहती है। ऑल्दो थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है, तो मोमेंटम अभी फिलहाल 1-2 सेशन के लिए हम देख सकते हैं कि मिसिंग हो सकता है, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर।
नेक्स्ट जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं इसमें 265 और फिर 280 तक के लिए, बाद में 245 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, पंजाब से राहुल जी हैं, एक और कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। ओके, राहुल जी से बात करने से पहले, क्योंकि रवि जी का एक और स्टॉक था आरईसी पर, एक क्विक व्यू आरईसी पर लॉन्ग टर्म के लिए क्या टारगेट्स देखती हैं आप? जी, आरईसी की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टॉक जो है काफी अच्छा मूवमेंट दिया है पिछले 6 महीनों में, कंटिन्यूसली इसमें काफी अच्छी मूव देखी है हमने। ये स्टॉक जो है कोई भी लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बरकरार है, अपने सारे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, तो बिल्कुल यहाँ बने रहने की राय रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। 430 और फिर पोजिशनली 450 तक के लेवल्स हमें बनते हुए दिखेंगे, 400 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके, तो इंडिया सीमेंट्स आरईसी बने रहे, आपके लिए यही राय शिवांगी की। पंजाब से राहुल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार शिवांगी जी, ये मेरा वेदांता पर जी। मुझे राय चाहिए एक, और मुझे राय चाहिए जमुना ऑटो पर और मदरसन सोमी, मदरसन, ये तीनों पर मुझे चाहिए। ये मेरा व्यू लॉन्ग टर्म पर का है, बट इन तीनों ही स्टॉक में मुझे काफी, मैंने ऑलमोस्ट 3 साल से होल्ड किया हुआ है इनको, बट कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है इसमें बहुत अच्छा। सो फॉर लॉन्ग टर्म, इवन अभी भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ, बट अभी भी मुझे रिटर्न अच्छा है। वेदांता की जो बाइंग है मेरी 285 की है, 110 स्टॉक्स, और जमुना ऑटो की बाइंग है मेरी 100 रुपीज की, 175 स्टॉक्स, और मदरसन्स की है 101 रुपीज, 166 स्टॉक्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता, जमुना ऑटो, मदरसन सुमी पर क्या राय रहेगी आपके शिवांगी, होल्ड करें अभी ये? अच्छी, वेदांता की अगर हम बात करें, यहाँ पे पिछले 2 सालों से ही इसने कुछ हालांकि कुछ रिटर्न नहीं दिया है। स्टॉक जो है वीक ऑन वीक बेसिस पे एक एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है, पर यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक में मोमेंटम मिसिंग है बिल्कुल। मेरी राय रहेगी कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से देख रहे हो, तो बेटर स्टॉक है, बेटर सेक्टर्स है, उसमें आप फोकस कर लो, एग्जिट के मौके मिले इसमें तो हम एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो था, आई बिलीव मदरसन सुमी था, इस पे हम अगर बात करें तो स्टॉक जो है थोड़ा वॉलेटाइल नेचर का है, फिलहाल 2 हफ्तों से थोड़ा सॉफ्टनेस जरूर देखने को मिल रहा है, पर सेक्टर इसका अच्छा है, एक अच्छी टेलविन मिल सकती है, पर काफी वॉलेटाइल है, हाई बीटा काउंटर है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि इसमें बने रह सकते हैं, पर इसका जो स्टॉप लॉसेस है वो स्ट्रिक्टली ट्रेल करते रहे अपसाइड की तरफ, और 7-8% का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 month टाइम फ्रेम। और फिर मेरा JBM बॉटो, आई थिंक वॉज द नेक्स्ट स्टॉक, ये स्टॉक जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक काफी अच्छा कन्विक्शन है, इसका जो थीम है वो काफी अच्छी तरह से प्ले आउट होते हुए दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के, और डेली फ्रेम में भी हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब तैयारी कर रहा है, तो इसमें एक अच्छी अपमूव आपको अभी में ही दिखने को मिल जाएगी, ऐसे हम एंटर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में भी, तो 1470 तक के इमीडिएट टारगेट से आप बनते हुए दिख रहे हैं, और फिर हायर 1500 तक के हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1370 का एक लेवल जो है सपोर्ट के तौर पे हम ध्यान रखते हैं इस स्टॉक पर। तो ये रही राय आपके तीनों स्टॉक्स पर शिवांगी की तरफ से। गुजरात से दानिश जी से भी बात कर लेते हैं, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम IRFC है 48 में 1000 पे, और हेलो जी जी सुन पा रहे, स्टॉक रिपीट करेंगे प्लीज। IRFC 48 में 1000 पे है, और कोपरा में 180 में 300 तक, और पर्सिस्टन सिस्टम में 600 रुपए में 50 तक, तो इसमें क्या कर सकते हैं? ओके, आपकी IRFC पे क्या खरीद बताई आपने? 48। ओके, 48 बताया इन्होंने। ओके,
आईआरएफसी, खोपरान और परसिस्टेंट सिस्टम्स खरीद तो काफी इनके अच्छे लेवल्स पर है, इन तीनों ही स्टॉक्स में क्या राय रहेगी आपकी शिवांगी? तो आईआरएफसी की अगर हम फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक जो है काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज. मंथ ऑन मंथ बेसिस हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है आउट परफॉर्म किया है लगातार, और अच्छी बात ये है कि इसमें फॉलो अप काफी स्ट्रॉन्ग है. तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी यहाँ पे कि बने रह सकते हैं. ऑल्दो फिलहाल डेटा जरूर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चार्ट बेसिस में कम है, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है. 102 और फिर 105 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं. एंड देन दूसरा स्टॉक आई बिलीव कोपरान था, यस. तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मोड में है ये स्टॉक. तो आप देखे होगी एक दो महीने से इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है हालांकि, पर ओवरऑल सपोर्ट जो है वो बहुत शिफ्ट होते जा रहे हैं ग्रेजुअल बेसिस में. फिलहाल स्टॉक जो है दो हफ्ते से थोड़ा करेक्टिव फेज में जरूर था, एक कंसोलिडेशन मोड में था, पर ये जैसे ही 250 निकालता है ना, तो यहाँ पे एक अच्छी अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो 250 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो निकालना पड़ेगा स्टॉक को एक अच्छे 260 तक के लेवल्स तक के लिए, और 235 इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है. तीसरा स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम, बेस्ट फॉर द लास्ट रखा मैंने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी. पूरे ही मिड कैप आईटी स्पेस में एक काफी अच्छा मोमेंटम है. पूरे रैली में हमने देखा है कि आईटी स्पेस में से मिड कैप स्टॉक्स ही पार्टिसिपेट किए हैं, और ये स्टॉक एक ऐसा है कि पूरे साल हमने देखा है कि 85% से ज्यादा इसमें रिटर्न देखने को मिला है. पिछले 12 से 15 महीने में कंटिन्यूसली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है. तो बिल्कुल इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेल करते रहे आगे. इसमें इमीडिएट बेसिस पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मुझे टारगेट्स नजर आ रहा है 7500 तक का, और 7000 के एक स्टॉक को ध्यान रखें. बिल्कुल. तो तीनों स्टॉक्स पर आपकी आपके लिए डिटेल राय शिवांगी सारदा की तरफ से आई है. कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रेटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से. जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, दो ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है. पहला तो एक अमेरिका में क्या कुछ होता है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त करीबन करीबन 150 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, 100 पॉइंट ऊपर नैस्डेक फ्यूचर्स. लेट्स सी क्या होता है, वहां से संकेत लेंगे. दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट संकेत है कि आज के डेटा जो कुछ रिकवरी हुई उसमें फिर से ट्रेडर्स ने खरीदा है, या वाकई में FIs और लोकल फंड की तरफ से भी आंकड़े उतनी मजबूत आए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर इंस्टीट्यूशनल खरीदारी दिखी तो फिर कल तेजी को हम और आगे बढ़ाएंगे, खुलेंगे हम ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से. ठीक है, अगर समझिए ग्लोबल मार्केट्स कमजोर रहे तो 21,150 या यूँ समझिए 21,000 भी क्यों, 21,150 कल के लिए करेगा मजबूत सपोर्ट का काम, और ऊपरी स्तरों पर 21,350 से 21,450 की रेंज वहां तक जाने की कोशिश होगी निफ्टी की. ठीक है, बैंक निफ्टी 47,850 के आसपास हम बंद हुए, जो सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी कल आपके लिए वो 47,650 की रेंज में सपोर्ट होगा. ऊपर 48,150 आपके लिए होगी रुकावट की जगह. तो ग्लोबल मार्केट्स के दम पर शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर कमजोर संकेत मिले तो नीचे खुलकर सपोर्ट लेवल से बढ़ेंगे, और मजबूत खुले तो तुरंत ही बढ़कर ऊपरी रेंज पर जाने की कोशिश करेंगे, और ऊपरी रेंज पर पहुंचे तो वहां प्रॉफिट बुक भी करिए, इंतजार कीजिए वापस नीचे आने का. अगर नीचे खुले तो सपोर्ट लेवल पर खरीद कर रिकवरी का इंतजार कीजिए. ये दिग्गजों की बात, इंडेक्स की बात. मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है, कोई टेंशन नहीं. अगर आप इन्वेस्टर्स के तौर पर शेयर रखें बिल्कुल 100% होल्ड करके रखिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं, बेचने की बिल्कुल भी ना करें. मजबूत हैं, छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, हल्के फुल्के झटके आते हैं, भारी भी आ सकते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बदलता नहीं एक ही दिन में, ये ध्यान में रखें. इसलिए अपनी तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें, अच्छी क्वालिटी के शेयर गिरावट में और खरीदने के बारे में भी आप सोच सकते हैं. और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन. हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया. सुमित स्वागत करते हैं आपका, बताइए कल के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग. वेल, कल के लिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास, दोनों तेजी की तरफ की है. पहला वाला स्टॉक है बीपीसीएल. बीपीसीएल में 450 वाला कॉल 6 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा. 3 रुपए के नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है.
और ऊपर में टारगेट 9 रुपए से लेके 12 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो BPCL का 450 का कॉल लेके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक सीमेंट सेक्टर का अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, इसके लिए 505 का कॉल 10 रुपए के आसपास लेके चलने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और अंबुजा सीमेंट के 550 के कॉल के टारगेट होंगे 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक के। ये दो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से कल के लिए। जी धन्यवाद करेंगे सुमित आपका शो में शामिल होने के लिए और बताइए आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी। शिवांगी आपको कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? जी शिवांगी आप म्यूट पे हैं। यस तो आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने पूरा एक अच्छा रैली दिखाया है, पार्टिसिपेट किया है। पहला जो स्टॉक है वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है। पूरे ही यू नो रैली में हमने देखा है कि ये स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम किया है और अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरी राय रही खरीदारी के लिए 7500 टारगेट्स बनते हुए दिखा। ओके तो ये परसिस्टेंट सिस्टम्स पे इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारी आज के एक्सपर्ट शिवांगी सारदा की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे शिवांगी आपका हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।